अक्सर हमने चोरी के मामलों में महंगी चीजें, सोने चांदी के जेवरात या पैसों की चोरी की बातें सुनी और देखी है। लेकिन यूपी के कौशाम्बी से चोरी का एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। यहां चोरों ने ना ही गहने चुराए, ना पैसे और ना कोई महंगी चीज। उन्होंने दुकान में रखी सब्जी पर हाथ साफ कर दिया। घटना सराय अखिल थाना क्षेत्र के तिलपुर चौकी के बगल की है, जहां सुमन देवी नाम की महिला प्रयागराज कौशाम्बी रोड के किनारे अपनी सब्जी की दुकान चलाती है। इसी दुकान के सहारे वह अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। लेकिन इस पर चोरों की बुरी नजर पड़ी और उन्होंने दुकान में रखी सब्जी गायब कर दी। चोरों ने दुकान से एक कैरेट टमाटर, एक बोरी प्याज, 5 किलो लहसुन, 5 किलो करेला और अदरक चुराई। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने साहूकार से कर्ज लेकर सब्जियां लाई थी। शिकायत करने पर पुलिस प्रशासन ने भी मदद की कोई उम्मीद नहीं दी। पुलिस ने साफ कह दिया कि अपने दुकान की देखभाल महिला को खुद करनी चाहिए। बता दें, कुछ समय पहले ही महिला के पति ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद बच्चों के पालन पोषण के लिए महिला यह सब्जी की दुकान चलाती थी। घर में कोई पुरुष न होने की वजह से महिला के लिए यह थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वहीं चोरी की यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस पर सब्जी में छाई महंगाई को दोषी करार दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे पुलिस की उदासीनता बता रहे हैं। लोगों का मानना है कि बेखौफ चोर चौकी से चंद कदम दूरी पर घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। 10:30 बजे घर गई हूँ, सामान रख के। एक कैरेट मेरा टमाटर था 1700 का और एक बोरी प्याज थी 80 रुपए किलो की थी। और जो मैं एक किलो भी नहीं बिकी उसमें प्याज, 5 किलो लहसुन था, 10 किलो अदरक थी, 2 किलो करेला था। जो जिसमें कहना मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैं कांचा लेके दुकान खोली हूँ, मेरा आदमी छोड़ के इलाहाबाद में रहता है, मैं 3 बच्चे लेके परेशान हूँ, मैं दुकान भी डालू तो मैं मुझे कमाने खाने भी नहीं दे रहे हैं। लोग चोरी कर लिए मेरे सामान, ये बताइए मैं कैसे जीव का चलाऊँ अपना।